बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिके तो चाहे चौधरी चरण सिंह हो सर छोटू राम हो या और कोई महापुरुष हो चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, हम लोग आज उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका कोई भगवान आएगा, कोई रहबर आएगा, कोई करेगा। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे क्या? जब ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, जब ये देश संविधान खत्म हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर का, आपको अधिकार नहीं रहेंगे, तो क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को आपसे आप मिलाकर जवाब दे पाएंगे कि जब ये देश लूट रहा था तो हम घर पे पड़े सो रहे थे, कभी किसानी की इज्जत होती, किसान की इज्जत होती थी, जब किसान निकलता था लोग प्रणाम करते थे, सलाम करते थे। आज किसान की इज्जत क्या है कि उसके कत्ल पे लोग हंसते हैं, ये इज्जत है किसान की? मेरी तकलीफ आपसे इसलिए है क्योंकि देश का नौजवान सो रहा है और वो ये सोचता है किसी और के साथ हो रहा है, इस देश के साथ हो रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। अगर आज हमने परवाह नहीं की और अगर हमने अपनी परवाह की कि मेरा खून बह जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये देश लूट जाएगा। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हमें तैयार रहना चाहिए कुर्बानी देने के लिए और पाला खींच के, हम तो ईमानदार खून काम करते हैं पाला खींच के। जिसने अपनी मां का दूध पिया वो पाला खींच के है, किसानों के ऊपर कत्ल करने वाले, किसानों के सरों को कुचलने वाले पाला खींच के आओ, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया देखो किसमें कितना दम है, देखो किसके सर कुचले जाते हैं और कौन भागता है। इतिहास रहा है ये लोग भागने वाले लोग हैं, भगाने वाले लोग। हम जीतेंगे, किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, हमारी एकता बनी रहेगी। आखिरी निवेदन, 2013 में जो किया है ना इन सियासी लोगों ने, आप फंस गए। मेरे दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, नहीं फंसना। ये जात और धर्म जो है ना इंसान के लिए है, इंसान जात धर्म के लिए नहीं, समझते हैं? अगर इंसानों में जाति बनाता, अगर भगवान जाति बनाता तो थप्पा लगा के भेजता। आज आप किसी जात के बच्चे को किसी दलित के हाथ छोड़ दो जो पैदा हो जाए और परवरिश उसकी मां आप तय करके बताना कि जात का है किसका, जाति नहीं होती इंसान। ये उन लोगों ने भाई जिनको इससे फायदा था, आप समझ रहे हैं? आप एक दलित के बच्चे को ठाकुर के घर छोड़ दीजिए और वो वहां पैदा हो तैयार हो, आप एक आदमी यहां बैठा हो एक आदमी बता दे वो किस जाति धर्म का उसके माथे पे देखते। इंसानों में जाति नहीं होती है, हमें बांटने के लिए बनाई गई, हमें जोड़ के अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए।